हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको ये लगेगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो छोटी सी क्लासेस में ही आ गया, फिफ्थ में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है क्या? तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अरेबिक न्यूमरल के साथ साथ इंडियन न्यूमरल्स का भी है, ठीक है। तो अरेबिक न्यूमरल यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट कहा जाता है और इंडियन न्यूमरल्स को देवनागरी स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने अरेबिक न्यूमरल या लैटिन स्क्रिप्ट में ये देखा है कि जो नंबर 1 है या नंबर 0 है उसे ऐसे लिखा जाता है, नंबर 1 ऐसे होता है, नंबर 2 ऐसे, नंबर 3 ऐसे, और इसी तरह से 4, 5, 6, 7 और 8, 9 बनता है, और जितने भी अदर नंबर्स हैं वो इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। यानी कि अरेबिक न्यूमरल या लैटिन स्क्रिप्ट में कुल मिला के 10 टाइप के डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इनमें एक से ज़्यादा डिजिट यूज़ करके किसी भी तरह का नंबर फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। ये तो अरेबिक न्यूमरल्स हैं या लैटिन स्क्रिप्ट भी इसे कह सकते हैं, ये तो हम सबको जानकारी है। अब इसी तरह का एक अरेबिक न्यूमरल जैसा ही इंडियन न्यूमरल सिस्टम भी है, और उस इंडियन न्यूमरल सिस्टम को जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसे देवनागरी कहते हैं। जिसमें अपनी हिंदी भाषा लिखी जाती है ना, से नारा से आम वाला, वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो उसमें जो मैथ्स के डिजिट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं वो ध्यान रखना है आपको। तो 0 तो 0 के जैसे ही लिखा जाता है, जैसे अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा जाता है, लगभग वैसे ही इसमें भी देवनागरी स्क्रिप्ट या इंडियन न्यूमरल में भी लिखा जाता है। 1 उसमें लिखा जाता था ऐसा, इसमें 1 लिखा जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। 2 उसमें लिखा जाता था ऐसे, इसमें 2 लिखा जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। 3 उसमें लिखा जाता था ऐसे, इसमें 3 कुछ लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। उसमें 4 लिखा जाता था ऐसे, इसमें जो 4 लिखा जाएगा वो होगा ऐसा कुछ। उसमें 5 लिखा जाता था ऐसे कुछ, इसमें 5 लिखा जाएगा ऐसे कुछ। उसमें 6 लिखा जाता था ऐसे कुछ, किसमें? अरेबिक न्यूमरल्स में या लैटिन स्क्रिप्ट में, जबकि देवनागरी स्क्रिप्ट में 6 लिखा जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, 6 जैसा। 7 लिखा जाता है अरेबिक न्यूमरल या लैटिन स्क्रिप्ट में ऐसे, इसमें 7 लिखा जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। 8 उसमें लिखा जाता है ऐसे, है ना, ऐसे होता है ना 8, इसमें 8 लिखा जाएगा कुछ ऐसे। और 9 अरेबिक न्यूमरल में लिखा जाता है ऐसा, जबकि इसमें 9 लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। बस तो ये 10 डिजिट उसमें भी थे अरेबिक न्यूमरल में, और लैटिन स्क्रिप्ट में भी ये 10 डिजिट्स ही हैं। तो इन्हीं के ऊपर उसी तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस वाले चैप्टर में अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, जिनमें ये तो होंगे ही, लैटिन स्क्रिप्ट वाले भी, साथ में देवनागरी स्क्रिप्ट वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपकी इनकी यूज़ की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में वही दे रखा है कि लैटिन स्क्रिप्ट का देवनागरी स्क्रिप्ट से क्या रिलेशन है। तो जैसे 0 0 एक जैसा है, 1 इस तरह का है, 2 इस तरह का है, 3 ऐसा है, 4 ऐसा है, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एडिशन देखते हैं। तो एडिशन मतलब ऐड करना। तो इन एडिशन प्रॉब्लम द न्यूमरल विच आर टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड द सम। तो इन दोनों को जिनको ऐड करना है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? एडेंड नाम से, एडेंड्स। और ये जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है टर्म्स कि एडेंड्स किसे बोलते हैं? जिन्हें ऐड किया जा रहा है, और जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? सम। तो जैसे इसमें 125 175 एक एडेंड तो ये है, और 389 285 दूसरा एडेंड है। तो इन दोनों एडेंड को मिलाकर जो रिजल्ट मिलेगा वो सम है। अब ऐड करने का सिंपल प्रोसेस है, 5 और 5 मिला के 10 आ गया, 10 का 0 आ गया और कैरी में चला गया 1, ठीक है। तो ये जो ऊपर चला जाता है कैरी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कैरी ओवर। ऊपर चला गया यानी कि ओवर, तो कैरी ओवर। अब ऐड करते वक्त इसको भी ऐड करेंगे, तो 1 और 7 8, 8 और 8 16 का 6, फिर कैरी चला गया 1, तो 1 और 1 2 2 और 2 4। अब कोई कैरी नहीं गया तो यहाँ कैरी नहीं लिखेंगे। फिर 5 और 9 14 की 4, फिर कैरी गया 1, 1 और 2 3 और 8 11 का 1, फिर
फिर कह दिया गया वन, तो वन और वन, टू और थ्री, फाइव, तो सम आ गया 514460। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है सम करने का। अब ये जो एडिशन है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो उनमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इनका ऑर्डर है वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि आप 1 प्लस 2 करें तो भी 3 आएगा, और आप 2 प्लस 1 करें तो भी 3 आएगा, अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करें तो 1 2 3 3 6 आएगा। आप 3 को थोड़ा पहले ले लें, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 2 तो भी 6 आएगा, 3 को सबसे पहले ले लें तो भी 6 ही आएगा। यानी कि जो एडेंड्स है उनका ऑर्डर क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता कि सम क्या आएगा, तो एडेंड्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक पहली प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे 153219 प्लस 213145, दो इसकी वैल्यू जो है इसको अगर रिवर्स करके ऐड किया जाए तब भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो एडेंड्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इसे हम आगे जाकर देखेंगे कि इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। खैर, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज़ द नंबर इट्सेल्फ। किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो नंबर खुद नंबर ही बचता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, या उल्टा जीरो में नंबर ऐड किया जाए तब भी नंबर ही बचता है। यानी कि ऐड जब कर रहे होते हैं तो जो जीरो है वो यूज़लेस है, ज़ीरो ऐड के टाइम कुछ खास काम नहीं आता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तो अगर एक एडेंड ज़ीरो है तो वो एडेंड सम में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, यानी कि वही बात है, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर ये ऐसा कहा जाए जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, तो ये भी सही होगा, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सम की तीसरी प्रॉपर्टी है, रीग्रुपिंग डज नॉट अफेक्ट द सम। तो रीग्रुपिंग तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आप ए प्लस बी प्लस सी करना है, अब आपने एक ग्रुप ऐसा बनाया कि बी प्लस सी पहले किया और बाद में ए ऐड किया तो भी चलेगा। आपने ऐसे किया कि चलो पहले ए और बी को ऐड करता हूँ मैं और बाद में सी को ऐड कर दूँगा, तब भी वही बात है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 4, पहले आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 7, फिर 7 में 2 को ऐड किया तो वो बन गया 9। ठीक है, अगर इसकी जगह आपने ऐसे किया होता 2 प्लस 3 प्लस 4 तो था, पहले आपने 2 और 3 का ग्रुप बनाया तो इससे बन गया 5, फिर 5 में 4 को ऐड किया तो इससे बन गया 9। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो इसे आगे चलकर हम देखेंगे कि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फिलहाल आप यूँ कह सकते हो कि जो रीग्रुपिंग है वो सम को इफ़ेक्ट नहीं करती, आप ग्रुपिंग कैसे भी करो काम चल जाएगा, आंसर सम का सेम आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वही होगी जो कि ए प्लस बी प्लस सी की है, और अगर आप ए और सी का ग्रुप बनाना चाहो तब भी बात वही है, बी पहले आ जाएगा। अब बात आती है एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स का अगर ऐड किया जाए कॉलम वाइज, जैसे 1 2 3 को अगर अपन ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं 1 2 3 को, और इसमें ऐड करते हैं 3 को, ठीक है, तो कभी कभी हमें हॉरिजॉन्टल ऐड करने में प्रॉब्लम आती है तो हम इसे वर्टिकल बनाते हैं, वर्टिकल कॉलम में लिखते हैं। तो वर्टिकल कॉलम में लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट ये है कि ये जो अरेंजमेंट है डिजिट्स का वो पीछे से सेम होना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट से मैच करते हुए हम चलेंगे चाहे राइट में खाली छूट जाए, राइट से मैच करते हुए चलेंगे चाहे लेफ्ट में खाली छूट जाए। जैसे मान लो मैं 123 और 1497 का ऐड करना है तो लेफ़्ट लेफ़्ट मैच, राइट राइट मैच होना चाहिए, ये लेफ़्ट ये खाली छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेफ़्ट इन दोनों जगह भी खाली छूट गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप यूँ समझें कि जैसे अगर हमें 123 और 1497 को ऐड करना है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का है, तो बाकी दोनों नंबर जो बचे उनको भी 4 डिजिट का बनाने के लिए इनिशियल में ज़ीरोस पुट कर दो। जैसे 123 को 4 डिजिट का बनाना है तो इनिशियल में जैसे 123 था ना, इसको 4 डिजिट का बनाने के लिए इनिशियल में एक ज़ीरो पुट कर दो।
23 को 4 डिजिट का बनाने के लिए 00 पुट कर दो, और वो तो जैसे 4 डिजिट का था सही 1 2 3 4, तो इन तीनों को अब ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम अलाइनमेंट पे ध्यान रखेंगे कि राइट से बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, लेफ्ट में अगर कुछ बच भी जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एडिशंस के बारे में जो कॉलम वाइज एडिशन करते हैं उसमें ये ध्यान है। तो खैर देखो ये लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ लार्ज नंबर, अरेंज द एडेंड इन कॉलम फॉर्म, स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वन प्लेस एंड देन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। वन प्लेस से हमें एडिशन स्टार्ट करना है, यूनिट प्लेस से, और फिर लेफ्ट की तरफ जाना है। रीग्रुप द एडेंड इफ नेसेसरी, जरूरत पड़े तो एडेंड को रीग्रुप भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इनका सम करना है हमें 1 2 3 7 8 4 6 3, इसका और इसका, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले नंबर को लिख दिया, फिर 7 4 8 9 4 2 6, इसको इस तरीके से लिखा कि वंस प्लेस वाला एक के नीचे एक है, यानी कि राइट से बिल्कुल अलाइनमेंट रहना चाहिए, लेफ्ट में बच भी जाए तो दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे नंबर को लिख दिया और वही नॉर्मल प्रोसेस किया, 3 और 6 9 9 और 4 13 का 3, कैरी का गया 1, 1 और 6 7 7 और 2 9 और 3 12 का 2, कैरी गया 1, और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एडिशन में एक दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है फाइंड मिसिंग नंबर। जैसे ऐसे कि वन में क्या ऐड करें, वन में क्या ऐड करें कि थ्री बन जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि वन में टू ऐड कर देंगे ना तो थ्री बन जाएगा। तो आपको डिजिट का सम दिमाग में रखते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ नहीं है और एट नीचे है, तो एट में क्या ऐड करें कि नाइन बन जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे वन कर देते हैं। फिर यहाँ फोर है, यहाँ एट है, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा ताकि दोनों का सम एट बन जाए। अब देखो यहाँ फोर है, ऊपर एट है, तो एट में क्या ऐड करें कि फोर बन जाए, तो एट में अपन को सिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो सिक्स ऐड करते 8 और 6 14 हो गया, 14 का 4 आ गया, ऊपर 1 गया, 1 और 3 4, 4 और 5 9 आ गया। फिर ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 और 8 13, और फिर ये 14 आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इधर से 1 कैरी रहा होगा तब जाकर ये बनेगा। तो 5 और 8 13 और 1 14, 14 का 4, तो यहाँ से फिर से एक कैरी जाएगा, तो 1 और 7 8 और 1 9 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर्स को अपन फिल कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिट्स का सम क्या होता है, ठीक है। देखो ये ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ओ का मतलब है वंस, टी का मतलब है टेंस, एच का मतलब है 100, टी एच का मतलब है 1000, टी टी एच का मतलब है 10,000, एल का मतलब है लैक, टी एल का मतलब है 10 लैक, और सी का मतलब है करोड़, ठीक है। तो ये प्लेसेस को बोला जाता है। अब मिसिंग नंबर के जो स्टेप्स हैं जो मैंने बताया, उन्हीं को इसमें डिटेल में बताया गया है, वैसे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में इनको ऐड करना है, तो ऐड करना इसका तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 6 और 1 का 7 हो गया, 1 और 2 का 3 हो गया, 6 और 7 का 13 हो जाएगा, 13 में 1 कैरी चल जाएगा, 5 5 5 10, और 1 11 का 1 कैरी चल जाएगा 1, 4 4 8 और 1 9, 4 और 2 6, 2 और 3 5, और 2 1 3 करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो आपने काफ़ी बार किया भी हुआ है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये हो सकता है आपको थोड़ा नया लगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 है, क्या है ये 5, और ये 0 है, तो 5 में 0 ऐड करें या किसी भी डिजिट में 0 ऐड करें तो उसमें तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, तो वो तो एज इट इज़ ही हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 3 है और ये क्या है 8, तो 3 और 8 का तो 11 बनेगा, 11 का तो 1 बनेगा, फिर कैरी में भी जाएगा 1, ठीक है। अब 1 और 8 9, 9 और 7 है ये, तो 9 और 7 16 का 6 आएगा और कैरी ओवर जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 और 7 8, 8 और ये क्या है 4 है, तो 8 और 4 का 12 बनेगा, तो 12 का 2 जाएगा, ऊपर कैरी में 1 जाएगा। फिर 1 और 6 7, 7 में 0 ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो 7 ही रहता है। फिर यहाँ है 4 और यहाँ है 6, 6 और 4 मिला के 10, 10 का 0 और फिर कैरी में जाएगा 1, 1 और 3 4, 4 और 2 मिलाकर 6, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन पार्ट ये है कि आपको जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपको देवनागरी स्क्रिप्ट प्रॉपर आती है तो फिर कोई समस्या इस सवाल में नहीं आएगी आपको, होपफुली, ठीक है।
सिमिलरली सी पार्ट है, इसमें तीन बार नंबर्स का सम है, तो इनको तो आप कर ही लोगे, 8 और 5 13 और 5 18 का 8, फिर कैरी में गया 1 1 और 6 7 और 4 11 और 6 17 के 7, फिर कैरी में गया 1 1 और 6 7 और 3 10 की 0, फिर कैरी में गया 1, और इस तरीके से आगे आप करते जाओगे, ठीक है। अब अगर अपन इसी को 3 डिजिट्स वाले इनको देखें तो क्या होगा आपके माइंड में, बस इम्पोर्टेंट ये है, ये रहना चाहिए कि ये 5 है, क्या है ये 5, फिर ये क्या है 9, और ये क्या है 3, तो 5 और 9 14 और 3 17 17 का 7, और कैरी में जाएगा 1, ठीक है, ये 1, फिर 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 8 13 का 3, फिर कैरी में जाएगा वापस से 1, फिर 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 3 7 7 का 7, कुछ भी कैरी में नहीं जाएगा, और इस तरीके से आगे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये दिमाग में रखने हैं कि ये डिजिट्स कौन से हैं, ये है 5, ये है 2, ये है 1, ये है 8, ये है 2, ये है 0, ये है 7, ये है 6, ये है 2, ये है 1, ये है 8, ये है 0, ये है 2, ये है 2, ये है 4, ये है 2, ये है 2, और ये है 9, ठीक है। और लास्ट वाला भी बता देता हूँ, ये है 8, यह है 1, यह है 8, यह है 1, यह है 9, यह है 3, यह है 8, यह है 3, ठीक है। तो इनको दिमाग में रखते हुए जो नॉर्मल कैलकुलेशन प्रोसेस है वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा भी आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड एड, ठीक है। तो सिंपल सा वे है कि 4 5 7 5 6 इसको, और नीचे भी 6 डिजिट है, ऊपर भी 6 डिजिट है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 3 6 7 8 8 0, एक के नीचे एक लग जाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 6 0 6 5 8 13 का 3, कैरी का 1, है ना, फिर 1 7 8 8 16 के 6, फिर कैरी का 1 6 7 और 7 14 के 4, कैरी का 1 6 और 6 12 के 2, कैरी का 1 5 और 3 8, इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको ये देखना है डिजिट्स कितने हैं, तो इसमें पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो एक राइट खिसक के लगेगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये भी राइट खिसक के लगेगा, है ना। तो आप यूँ करेंगे ऐसे अरेंज, ये 1 2 7 7 एंड 8 8 7 7 4 5 0 3 है, ये 8 8 7 7 4 5 0 3, और ये दूसरा क्या है, ये 1 खिसक के लगेगा क्योंकि तो ये था 8 8, अब 7 7 8 8 7 7 5 4 8 8 7 7 4 5 0 3, ये तो हो गया। दूसरा है 3, अब ये खिसक के लगेगा ना, थोड़ा सा एक स्टेप खिसक के लगेगा, तो 3 7 5 2 1 3 और 7, और फिर तीसरे में भी 7 डिजिट है, तो ये इसके अलाइनमेंट में लगेगा, 6 4 8 3 2 1 और 7, ठीक है। तो अब इनको कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, तो कैलकुलेट कर लेना, बस अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट है। फिर सिमिलरली सी और डी पार्ट में भी एडी करना है, किसी जगह प्रॉब्लम आओ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर आगे है फिल इन द मिसिंग प्लेसेस, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, 0 और 4 को ऐड किया 4 आ गया, अब इसमें 8 है नीचे, मतलब यहाँ 8 है और 7 बनाना है, तो बनाने के लिए आपको यहाँ 17 बनाना पड़ेगा, तो 17 बनाने के लिए यहाँ कंपल्सरी कि 9 हो, तो 9 और 8 मिला के 17 17 का 7, 1 और 5 4 5 5 और 7 का 12 2 2 का 1 1 और 6 7 और 7 में क्या ऐड करेंगे 1 आ जाए तो 4 ऐड करना पड़ेगा, ताकि 11 आ जाए, 11 का 1 हो जाता है ऊपर कैरी में 1 जाएगा, 1 और 3 4 4 और 7 का 11 का 1, कैरी में जाएगा 1, 1 और 9 10, और यहाँ क्या लिखेंगे 17 आ जाए 7 लिख देते हैं, 17 का 7, कैरी में गया 1, 1 और 4 5 5 और 0 तो 5 होता है, कोई कैरी में नहीं गया तो 5 में क्या ऐड करेंगे 6 आ जाए 1 ऐड करते, ठीक है। तो ये मिसिंग क्लासेस अपन भर दिए, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के मिसिंग क्लासेस भी भरे जा सकते हैं। अब इसी को वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं,
यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस देने की जगह वर्ड प्रॉब्लम में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमरल्स टू बी एडेड और एडेंड्स इन द गिवन प्रॉब्लम। अपन को वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान ये रखना है कि न्यूमरल्स जो एडेंड्स हैं वो हमें ढूंढने हैं और एडेंड्स को ढूंढते ही हमारा आंसर आ जाएगा, फिर तो एडिशन ही करना है। तो देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर वर 4,632 तो बॉयज, तो एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं जिसमें बॉयज़ तो है 4,632 और गर्ल्स हैं 4,598। और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल का मतलब तो कॉलम वाइज लिखकर एड कर दो, दोनों एडेंट्स मिलकर सम करना तो आप लोगों को आता ही है, बस वैसे ही करते हैं, ठीक है। फिर इसका सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इफ देयर वर 3,242 प्लांट्स ऑफ रोज, 3,242 प्लांट्स ऑफ रोज एंड 5,571 प्लांट्स ऑफ जैस्मिन। तो रोज के कितने प्लांट्स हैं, 3,242 और जैस्मिन के कितने हैं, 5,571। तो टोटल निकालने, तो टोटल निकालने तो प्लस करेंगे और प्लस करना आपको आता है, तो एडेंड निकाल के प्लस करना है, प्लस करने का प्रोटो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे देखो, मिस्टर अजय बोट अ हाउस फॉर 55,23,800 रुपीज, इतने में तो उन्होंने घर खरीदा, एंड अ कार फॉर 8,49,350। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितनी मनी उन्होंने स्पेंड की, तो दोनों को आप सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 55,23,800 में प्लस 8,49,350 कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड दिस ऑफ केक्स एंड दिस मच बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर, तो टोटल कितने मैन्युफैक्चर किए गए हैं, तो दोनों को आपको बस सिंपली ऐड करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये जो नंबर है पहला वाला वो क्या है, 2, ठीक है, क्या है फर्स्ट, सबसे पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 3, 4, 8, 6, 9, अगर लिखा है 3, 5, 2, 8, 6, 1, 4, 7, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड कर देना है और ये ऐड करने से ये आ जाएगा कि टोटल कितने आइटम मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। फिर अब आता है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए इज 1665,86,300 एंड कंट्री बी इज 8,15,21,350, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ कंट्रीज, तो दोनों कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो दोनों के एडिशन के इक्वल होगी, तो इसमें इसको ऐड करना है। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट्स हैं, जबकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स ही हैं, तो वन स्टेप राइट खिसक के ये अलाइन होंगे, कैसे, यानी कि इसमें ऐसे लिख सकते हो आप कि ये ऊपर आएगा 1,6,6,5,86,300 और इसमें जो 1 शुरू में 8 है ना वो यहाँ आएगा, फिर 1,9 यहाँ आएगा, फिर 2,1 यहाँ आएगा और 3,5,0 आएगा, यानी कि ये वाला स्पेस खाली बचेगा, ओके। तो इस तरह का अलाइनमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। ये तो हो गया एडिशन वाला प्रॉब्लम, अब इसमें सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसके अंदर सबसे पहले अपन ये थ्योरी देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इन सब्ट्रैक्शन द नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द माइन्यूंट एंड द नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन्यूंट इज कॉल्ड सब्ट्रेंड। तो माइन्यूंट तो है ऊपर वाला और जिसको कम किया जाता है वो है सब्ट्रेंड, ठीक है। तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वो अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, पहले क्या आ रहा था सम आ रहा था, अब यहाँ पे आएगा डिफरेंस। तो माइन्यूएंट में से सब्ट्रेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो क्या बचेगा, डिफरेंस बच जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो ये है कि इसमें जो ज़ीरो है, अगर किसी नंबर को खुद में से सेपरेट किया जाए, जैसे 5 -5, 7 -7, 8 -8, 10 -10, 25 -25, तो नंबर ए में से अगर ए को सेपरेट कर दिया जाए तो ज़ीरो बचेगा। जैसे 65,245 में 65,245 को ही सेपरेट कर दिया तो क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा, ठीक है।
फिर प्रॉपर्टी नंबर टू देखते हैं, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे 10 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो 10 ही रह जाएगा, 20 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो 20 ही रह जाएगा, 287,530 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो 287,530 ही रह जाएगा। तो अगर नंबर खुद नंबर में से खुद को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि माइनुएंड और सब्ट्रहेंड सेम आ जाए, तो फिर फाइनल वैल्यू ज़ीरो आती है। अगर सब्ट्रहेंड ज़ीरो आ जाए तो फिर जो फाइनल वैल्यू है वो वही आती है जो माइनुएंड थी, ठीक है। When one is subtracted from the number, the difference is the predecessor of the minuend. जब number में से one subtract करते हैं तो predecessor बचता है, और कभी number में one add कर देते हैं ना, सब addition वाले में देखें तो वहाँ पर successor बचता है, तो one add करने पर successor मिलता है और one subtract करने पर predecessor मिलता है हमें minuend का, ठीक है। अब लार्ज नंबर का सब्ट्रैक्शन करने का सेटअप वही है जो कि एडिशन करने का था, यानी कि पहले अलाइनमेंट कॉलम में वैसे ही करेंगे कि राइट वाले यानी कि वंस प्लेस के मिल जाएं, फिर टेंस प्लेस के मिलें, फिर हंड्रेड्स प्लेस के मिलें, फिर बाकी इधर लेफ्ट में कुछ खाली छूटता है तो छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसमें कैरी होता था, इसमें बोरो लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल ये करते हैं, पहले छोटा सा एग्ज़ाम्पल करके बताता हूँ। मान लो आपके पास हो 15 और इसमें से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है। तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे पर वो तो होता नहीं, चलो आप ऐसे करते हैं इसको 25 ले लेते हैं, 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन 5 से तो बड़ा नंबर है 8, तो 5 से तो होगा नहीं, तो यहाँ से इसको 5 को थोड़ा कुछ उधार लेना पड़ेगा पास वाले से, ठीक है। तो पास वाले से जैसे ही उधार लिया तो इसके पास तो 2 थे डिजिट, तो अब तो 1 ही रह गया। अब ये 1 डिजिट इधर जाएगा तो कभी कभी हमें ऐसे फील होता है कि इसने 1 लिया तो 5 और 1 मिला के 6 हुआ, लेकिन नहीं, ये जो 2 है ये टेंस प्लेस पे है, इसके एक 1 की वैल्यू ही 10 है। तो जैसे ये 1 उधार लेगा ना, इसे 1 बोरो करेगा तो यहाँ पर 10 जाएगा, 10 और 5 मिलकर ये हो गया अब हमारा 15, यानी कि 2 तो रह गया 1 और ये जो 5 है ना वो एक तरीके से 15 के जैसे एक्ट कर रहा है अब, ठीक है। और नीचे रह गया 8, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और यहाँ तो 1 रह गया तो अब आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको कि 25 में से 8 हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया, 5 छोटा डिजिट था 8 की कंपैरिजन में, तो हमको बोरो लेना पड़ेगा। जब हम बोरो लेंगे टेंस प्लेस से, तो टेंस प्लेस से जैसे ही बोरो लेंगे ना हम, तो फिर वो जो 10 है वो आगे जाएगा, यानी कि जब भी 1 बोरो लेते हैं हम पास वाले डिजिट से, तो 1 की जगह 10 आगे आता है, फिर सब्ट्रैक्शन ईजीली हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखते हैं, पूरे एग्ज़ाम्पल को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 तो स्मॉलर डिजिट है तो 2 से काम नहीं बनेगा, तो 7 से 1 बोरो लेना पड़ेगा। 7 से 1 बोरो लेते ही ये जो 2 है वो किसके जैसा हो गया, 12 के जैसा हो गया, और ये 7 किसके जैसा रह गया, 6 के जैसा रह गया। अब 12 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 बच जाएगा। अब ये 6 की जैसा रह गया था, किसके जैसा, 6 की जैसा, तो 6 में से तो अभी भी 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर से एक बोरो लेना पड़ेगा ताकि 5 का 4 बन जाएगा और ये 6 का 16 बन जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। फिर 8 तो यहाँ रह गया और पास में 4 रह गया था, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो फिर से एक बोरो लेना पड़ेगा, तो 4 से 14 बन गया, 14 से 9 गया तो 5 बन गया, अभी डायरेक्ट कम हो गया। अब इधर तो 2 ही रह गया था क्योंकि 3 से इसने एक बोरो कर दिया था इसको 5 को, तो अब 2 रह गया, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो फिर से 1 कैरी लेंगे, 1 बोरो लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 9। फिर यहाँ पे है 3, क्योंकि 4 था पर 1 बोरो दे दिया तो 3 बच गया, 3 में से 6 नहीं जा रहा तो फिर से एक बोरो लेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8 था, इसने एक दे दिया तो इसके पास 7 रह गया, 7 में से 3 गया तो 4, और इधर 6 में से 2 गया तो 4। तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन वाला सेटअप है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आसानी से आ जाएगा। अब बात ये है कि रिलेशन क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में, तो वो सीखते हैं अब। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर को रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, दिस रिलेशन इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अवर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने कहा 7 + 3 = 10,
ये तो एक क्वेश्चन हो गया एडिशन वाला। अब अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमने सही किया या नहीं किया, तो हम ये कर सकते हैं कि जो एड आया, हमारा सम आया, उसमें से इस नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये पहला नंबर ही आ गया तो हमारा आंसर सही है। देखो 10 माइनस 3 करने पर 7 ही आ रहा है, या फिर 10 माइनस 7 करने पर 3 आएगा। तो टू डिजिट का सम, तीसरा डिजिट, दो डिजिट्स का जो सम होता है, उस सम में से पहला कम करो या दूसरा कम करो, बचा हुआ आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पहले नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइन्यूंड और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस सब्ट्रैक्ट को, अगर ये जो डिफरेंस वाला रिजल्ट आया, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो फर्स्ट वाला आ जाना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो 7 - 5 = 2 है, तो ये सही तभी माना जाएगा जब इन दोनों का सम ये आता हो। तो 5 और 2 का सम तो 7 आ ही रहा है ना, ठीक है, तो सही है। अगर आपने गलती से ऐसे कर दिया कि 7 - 5 = 1 लिख दिया, तो आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो कि 1 में 5 ऐड करने पर 7 आ रहा है क्या, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, 1 और 5 ऐड करने पर तो 6 आ रहा है, यानी कि जो हमने किया है वो रॉन्ग है। क्लियर? तो इसको चेक किया जा सकता है। तो वेरिफिकेशन रूल क्या है कि सब्ट्रेंड माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू माइनुएंड, कब? इन में। ओके जी, तो माइनुएंड कैसे मिलेगा कि ये जो सब्ट्रेंड बचा उसमें से आप डिफरेंस को, ये सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिफिकेशन रूल ये है कि सब्ट्रेंड और डिफरेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो आपका माइनुएंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर को आप जैसे ही ऐड करोगे आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे बुक में, आप इसको ठीक कर लेना। और इधर क्या होगा कि ये जो एडेंड है इसको इसमें से सम में से माइनस कर दोगे, यानी सम माइनस जो कोई भी एक एडेंड है तो दूसरा एडेंड बच जाएगा, ठीक है। सम में किसी भी एक एडेंड का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचा हुआ एडेंड आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ़ वन नंबर इज 8207 38, फाइंड द अदर नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वन नंबर है वो तो हमें पता है, ठीक है, डिफरेंस है ना, तो ये एक नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस डिफरेंस कर देंगे। तो 8207 38 में 236824 को ऐड करना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से द सम ऑफ टू नंबर इज 5000, इफ वन ऑफ देम इज 4835। जब सम दे रखा है तो अदर नंबर निकालने के लिए सम में से एक एडेंड को माइनस कर देंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया ना कि सम में से एडेंड को माइनस करने पर दूसरा एडेंड आ जाता है, और डिफरेंस और वो जो सब्ट्रेंड है, तो जो सब्ट्रेंड है उसमें डिफरेंस को प्लस करने पर माइनुएंड आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस में तो प्लस करना पड़ता है और सम में से माइनस करना पड़ता है, तब जाके बचा हुआ नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 हो गए। अब आगे देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आता है फाइंड द मिसिंग नंबर वाला। तो मिसिंग नंबर वाला स्टेप तो वही है जो थोड़ी देर पहले किया था हमने, कि जैसे 9 है, अब 9 में किसको, किस में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको प्लस वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो, माइनस वाले में प्रॉब्लम आ रही हो तो, कि इसमें जैसे इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए, तो रीअरेंज करके भी किया जा सकता है। और ऐसे नहीं तो नॉर्मल कर लो कि 9 किस में से सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, जब यहाँ पे 15 होता, 15 कब होता, जब यहाँ पे 5 होता, ठीक है। अब यहाँ 5 होता तो 5 का 15 बन जाता, 15 में से 9 जाता तो 6 बचता, तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए था, यानी कि 5 हो जाता, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाता ना, 6 में से 1 इधर गया, अब 0 में से 8 2, यानी कि यहाँ 8 रह गया, 8 में से 6 गया तो 2, अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, लेकिन 12 में से 6 जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा यहाँ से। अब वो 1 कम होने के बाद भी यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 बच रहा है, यानी कि इनिशियली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये 7 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, लेकिन यहाँ 1
बोरो भी तो दे रहा ही है, तो यहाँ सेवन आएगा, फिर फोर में से सेवन जाएगा तो सेवन बचेगा नहीं, यहाँ से वन कैरी होगा तो फोरटीन में से सेवन जाएगा तो सेवन, और एट का रहेगा सेवन, ठीक है। तो एक डायरेक्ट तरीका तो ये है, या फिर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि ये जो सबट्रेंड है इसमें आप इसको प्लस कर दो और ये मिल जाएगा। तो प्लस करने वाला थोड़ा सा ईजी होता है मिसिंग नंबर में, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, वो उसी पे बेस्ड है जो मैंने भी आपको बताया, तो उसको आप ट्राई करके देख सकते हो। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगी और नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी आएगी। तो एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 अभी तक की चीज़ से आप करके देख सकते हो। थैंक यू।